राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। तो देखिए, आज हम चार नंबर ठाकुर जी के लिए चोली और घेरा दोनों एक साथ बनाएंगे। तो आज हमने पिंक कलर लिया है, हम पिंक कलर की ही चोली और घेरा एक जैसा ही बनाएंगे। तो चलिए हम चोली बनाना स्टार्ट करते हैं। और जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जो मेरे चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूं तो आपके पास न्यू वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो यहाँ पर हम 17 चैन बनाएंगे। ये हमारे हमने एक नॉट लगा दी है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ये हमारी 17 चैन हो गई हैं। 17 चैन के बाद में हमें 3 चैन और एक्स्ट्रा बनानी है, 1, 2, 3। और जहाँ पर हमारी 17 चैन थी उसमें ही हमें एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, तो हमारी 2 क्रोशिया हो गई हैं इधर, 3 चैन की 1 क्रोशिया और 1 क्रोशिया हमारी ये हो गई है। इस तरीके से हमें एक हॉल में से एक ही बार क्रोशिया निकालनी है। इस तरीके से बनाना है। इस तरीके से आएगी ये। ये देखिए, और ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में फिर हम 3 चैन बनाएंगे। उसके बाद में फिर हम इसकी की हमें यहाँ एक भी स्किप नहीं करनी है, हम बिल्कुल इधर बनाएंगे। ठीक, इधर हमें इस अब एक हॉल में से टू टाइम सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, इस तरीके से इधर हमने डाला, इसमें से हमारी फिर एक, और इसी के अंदर हम दोबारा से निकालेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमारी पूरा राउंड लगेगा। तो चलिए, मैं अपना पूरा राउंड ये कंप्लीट करके फिर आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमारा ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हमें 3 चैन बनानी है। 3 चैन बनाने के बाद में हमें इसके बराबर में से नहीं बनानी, हमें इधर बनानी है। और हमें एक ही हॉल में से एक ही बार क्रोशिया बनानी है, सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। इस तरीके से हमें एक ही बार क्रोशिया निकालनी है। पूरा राउंड हम अपना इसी तरीके से पूरा करेंगे। चलिए, मैं आपको ये पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए, हमारा ये भी राउंड कंप्लीट हो गया इस तरीके से। अब इधर हम 3 चैन बनाएंगे।
तीन चैन बनाने के बाद में इधर नहीं बनाना, हमें इस वाली होल में हमें बनाना है, सिंगल क्रोशिया बनानी है। और यहाँ पर इधर हमें चार बार क्रोशिया बनानी, चार क्रोशिया बनानी है सिंगल क्रोशिया। ये हमारी तीन हो गई हैं, थ्री चैन का एक क्रोशिया, फिर दो, फिर तीन, हमारी तीन हो चुकी हैं। अब हम चार बनाएंगे, उसके बाद में फिर हम अपने चोली को इस तरीके से रखेंगे। तो देखिए हमारी इस तरीके से आ जाएगी। उसके बाद में हमें ये देखना है कि हमारा ये कहाँ बराबर आ रहा है। तो देखिए हमारा इधर आ रहा है, ये देखिए, ये इसके बराबर में इस तरीके से नाप कर जब हम बनाएंगे, इस तरीके से बनाना है। एक ही क्रोशिया बनानी है हमें, एक ही सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर हम अपने वर्क को इस तरीके से देखेंगे। तो हमारा ये ज़्यादा बन गया है इधर, यहाँ हम छोड़ देंगे इसे। और फिर हमें 1 2 3 4 यहाँ ये आ गया हमारा, देखिए हमें यहाँ इस तरीके से हमें इसे जॉइंट करना है, इस तरीके से हमें इसे बराबर करके फिर हमें इसमें बनाना है। ये देखिए हमारी तीन, और ये हो गई हमारी चार। फिर हमें इधर थ्री क्रोशिया बनाएंगे, थ्री क्रोशिया बनाने के बाद में फिर से हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, हर एक हॉल में, हर एक क्रोशिए में से हमें एक सिंगल क्रोशिया ही बनानी है। इस तरीके से ये देखिए ऐसे हमें निकालनी है ये। फिर हमने यहाँ बना दे दिया, ये देखिए हमारी ये चोली इस तरीके से आएगी। ये देखिए ये आ गई हमारी चोली। उसके बाद में फिर हमें यहाँ दो चैन लेनी है, दो चैन के बाद में फिर हाफ क्रोशिया बनानी है। हर एक क्रोशिए में से हमें, एक हॉल में से हमें इस तरीके से हाफ क्रोशिया बनाते हुए हमें पूरा ये वर्क, ये पूरा राउंड अपना हमें ये कंप्लीट करना है इस तरीके से। देखिए हम इस तरीके से बनाते हुए अपना पूरा राउंड हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब हम अपनी चोली को इस तरीके से रखेंगे और हम इसे यहाँ इस तरीके से हम इसे निकाल देंगे। ये देखिए हमारी चोली बनकर के तैयार हो गई है। अब हम इसका घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। तो घेरा बनाने के लिए हमें यहाँ तीन चैन बनाएंगे, थ्री चैन के बाद में इसी के अंदर हमें एक और बार बनानी है, दो हो गई हैं। फिर इससे आगे से ये देखिए हमें ये आगे से निकालनी है, हमें इस तरीके से नहीं बनाना है, हमें ये इस तरीके से डालना है इस हॉल के अंदर इस तरीके से, और इस तरीके से आगे से इस तरीके, ये हमारी फली बनती हुई आ जाएगी। फिर इसी के बगल में हमें, इसी के साइड में इस तरीके से हमें
दो बार क्रोशिया बनानी है, सिंगल क्रोशिया बनानी है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद में फिर हमें इस तरीके से आगे की साइड में निकालेंगे और फिर हम इसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब फिर से हमें इधर सिंगल क्रोशिया बनानी है, दो बार सिंगल क्रोशिया बनानी है सीधे सीधे। उसके बाद में फिर हमें एक सिंगल क्रोशिया आगे से इस तरीके से निकालनी है। तो देखिए हमारी इस तरीके से फरी बनती आएगी, जैसे एक ये हो गई, ये हो गई, अब ये भी दिखाई देगी अभी आपको। फिर से हमें यहाँ सिंगल क्रोशिया, उसके बाद में फिर हमें इस तरीके से हमें ये फली बनानी है। तो देखिए हमारा इस तरीके से ये पूरा राउंड कंप्लीट होएगा। तो हम अपना पूरा राउंड कंप्लीट करके फिर आपको हम दिखाते हैं। देखिए हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब देखिए फिर से बनाते हैं, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगी। तीन चैन के बाद में फिर से हमें इधर से एक सिंगल क्रोशिया बनानी है और इसी के अंदर से हमें एक आगे से निकालनी है इस तरीके से। ये देखिए फिर से हमें इसी के अंदर से निकालनी है, साइड से फिर से हमें निकालनी है। अब हमें जहाँ हमने आगे से क्रोशिया बनाई है, सिंगल क्रोशिया बनाई है, अब हमें उसी तरीके से आगे से ही हमें क्रोशिया लेनी है। ये देखिए हमने ये आगे से ले रखी है ये वाली, तो हमें इसी के अंदर से आगे से हमें क्रोशिया निकालनी है इस तरीके से। फिर इसी के अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है सीधी सीधी, जैसे हम बनाते हैं इस तरीके से। इसमें हमारे साइडों में, मैं भी दिखाती हूँ, इसमें हमारी साइडों में ये हमारी देखिए सिंगल क्रोशिया है, यहाँ हमने मैंने एक और बनाई है और इसी के अंदर से हम आगे से निकालेंगे और इसी के अंदर से हम फिर से लेंगे और फिर हम नेक्स्ट होल में से लेंगे इस तरीके से। तो हमारी जो हमने आगे से जो हमने क्रोशिया बनाई है, हमारी फली बनती हुई आ रही है, तो दोनों साइडों से इधर हमारे ये फंदे भरते हुए आएंगे, हमारा घेरा बनता हुआ आएगा। फिर से ये देखिए हमने आगे से बनाई है तो आगे से आ चुकी है सिंगल, ये भी सिंगल होगी और ये भी सिंगल है। सिंगल के बाद में फिर यहाँ पर हमें सिंगल, ये सॉरी, आगे से हमें ये क्रोशिया निकालनी है सिंपल और फिर इसी के अंदर से फिर सिंपल निकालनी है, फिर से सिंपल, फिर से सिंपल और फिर से हमें आगे से निकालनी है। तो देखिए हमारी ये फली आपको दिख रही है, इस तरीके से हमारी फली बनती हुई आएंगी। ये देखिए एक ये है, ये इस तरीके से हमारा ये घेरा बनता हुआ आएगा। ये देखिए ये हमारी आगे से ली है हमने, ये नहीं हमें ये यहाँ हमने यहाँ ली थी, यानी यहाँ इसी के अंदर लेनी है। फिर से हमें सिंपल बनानी है, फिर से सिंपल क्रोशिया, उसके बाद में हमें आगे से फली में से हमें इस तरीके से निकालना है और फिर से हमें इसी के अंदर निकालना है, फिर से ये फिर से निकाली और फिर इसी के अंदर से हमें आगे से निकालनी है। अभी मैं अपना ये दिखाती हूँ, मैंने जो घेरा बना रही हूँ अभी आपको, हमारी दो सिंपल हो गई हैं, ये तीन सिंपल हो चुकी हैं और उसके बाद में हमें यहाँ से आगे से निकालनी है। फिर से इसके अंदर से हमें सिंपल, फिर सिंपल और फिर से सिंपल और फिर हमें यहाँ अपने इसमें जोड़ देनी है। फिर हम तीन चैन बनाएंगे और फिर इसी के अंदर हमने चैन बनाई है, इसी के अंदर फिर एक और बार हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक और बनाएंगे, क्योंकि अब हमारी दोनों साइडों से भरती हुई आ रही हैं ये, इसलिए हमारा ये घेरा बनता हुआ आएगा। तो देखिए हमारी ये फली दिखाई दे रही हैं आपको, एक ये हो गई, ये देखिए इस तरीके से ये घेरा बनता हुआ आएगा।
ये देखिए वन, ये होगी हमारी टू थ्री, पहले हमारी थ्री थी अब हमारी फोर हो गई है, फोर। और हम इस तरीके से आगे से इसे निकालेंगे और इसी के अंदर से फिर से हम इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम यहाँ सिंगल क्रोशिया, इधर भी सिंगल क्रोशिया, इधर भी सिंगल क्रोशिया। और देखिए ये हमारी फली है आगे से जो हमने ली है, और इसी के अंदर से हम इस तरीके से उठा करके हम बनाएंगे। फिर इसी के अंदर से हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए तो हमारा घेरा इस तरीके से आएगा। ये देखिए ये हमारी ये फली है, ये देखिए ये दिखाई दे रही है, ये हो गई, ये हो गई। और इधर से देखिए ये दिख रही है, ये जैसे जैसे ये घेरा बनता आएगा उसी तरीके से ये फली उठती हुई चली आएंगी। तो हमें पूरा घेरा इसी तरीके से बनाना है। हमारे जो हम जो आगे से ये उठा रहे हैं सिंगल क्रोशिया जो हम बना रहे हैं आगे से उठा करके, उसी तरीके से ये दोनों साइडों से फंदे भरते हुए आएंगे और हमारा घेरा बनता हुआ चला आएगा। तो हमें इसके पाँच राउंड लगाने हैं। हमारा एक राउंड हो गया, ये हमारा दूसरा राउंड है, तीन चार पाँच, हमें इसके पाँच राउंड बनाने हैं। तो चलिए मैं आपको ये पूरे पाँच राउंड कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमारा ये घेरा बनकर तैयार हो गया है। इसमें मैंने आपको पाँच राउंड बताए थे, पर इसमें पाँच नहीं लगाने हैं, छः राउंड लगाने हैं, क्योंकि पाँच राउंड छोटे हो जाता है वो हमारे तीन नंबर ठाकुर जी के लिए हो जाता है। तो एक दो तीन चार पाँच छः, ये हमारे चार नंबर ठाकुर जी के लिए हैं। और इसके बाद में आप यहाँ से डिजाइन भी शुरू कर सकते हैं। जब हम डिजाइन डालेंगे तो ये और भी बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हमारे चार नंबर ठाकुर जी के लिए ये घेरा बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए हमारा घेरा बन करके कुछ इस तरीके से तैयार है। चोली और घेरा मैंने आपको बनाना बता दिया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये सब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।